तो आज हम सीखने वाले हैं कि आप ब्लॉगर का जो सेटिंग्स होते हैं उसको किस तरह से क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका ब्लॉग सर्च लिस्ट में रैंक करे। यानी कि सेटिंग्स का वो खुफिया ट्रिक्स क्या है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ब्लॉगर को गूगल सर्च में रैंक करा सकते हैं। आप मेरे तीनों में से किसी भी साइट को सिंपली गूगल में सर्च करके देख लीजिए, तीनों ही ब्लॉगर पे होस्टेड है, बट आप सर्च करके देख लीजिए, एटलीस्ट डोमेन का नाम सर्च करके देख लीजिए, सबका सब गूगल सर्च लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे ही आएगा, चाहे वो ऑनटेक हो, चाहे वो द बायोटेक वर्ल्ड हो। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, हाल ही में अप्रूवल मिला हुआ अकाउंट भी यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आ रहा है। तो मैंने क्या सेटिंग्स किया जिससे ये सारे ब्लॉगर्स के जो साइट्स हैं वो क्या है कि इतने अच्छे से गूगल सर्च लिस्ट में आ रहे हैं, गूगल सर्च लिस्ट में रैंक कर रहे हैं। मैं आपको एक एक करके सारा सेटिंग्स बताऊंगा। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगर्स के डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहला जो आता है वो है टाइटल। तो टाइटल देखिए, यहाँ पे टाइटल तो मेरा जो है वो ऑनटेक ही लिखा हुआ है, तो आपको टाइटल वही देना है जो आपने लिंक यानी कि जो आपने डोमेन को यहाँ से या तो परचेस किया है या फिर कस्टम होने से आपने परचेस किया होगा तो कस्टम होगा। लेकिन अगर आपने ब्लॉगर ही सब डोमेन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सब डोमेन है ब्लॉग एड्रेस वो जो है ऑनटेक से ही स्टार्ट है। यानी कि जो टाइटल होगा ब्लॉग का वो और जो लिंक या फिर एड्रेस है URL है वो भी सेम होना चाहिए, तो क्या होगा सर्च लिस्ट में ज़्यादा अच्छे से वो आता है। तो मैंने टाइटल में भी सिंपली ऑनटेक ही दे रखा है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको बताना होता है कि आपका साइट किस टॉपिक के ऊपर काम करता है या फिर किस टॉपिक्स को कवर करता है, यानी कि आपके साइट पे किस तरह की चीज़ें मिलने वाले हैं, तो ये चीज़ को आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो आपके पास 500 वर्ड्स का लिमिट दिया हुआ है, तो आप इस 500 वर्ड्स के लिमिट्स में आप अपने साइट्स पे जो जो चीज़ें करते हैं वो सारे चीज़ें कीवर्ड्स वो सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे आपको डालना है। और ध्यान रखें कि वो सब कीवर्ड्स इस 500 के अंदर ही आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको लिखने के बाद इसे सेव कर देना है। फिर थर्ड में आता है ब्लॉग का लैंग्वेज, ठीक है। ब्लॉग के लैंग्वेज में क्या करना है, अगर आपने इंग्लिश में लिखा है तो आपको यहाँ से बहुत केयरफुली यहाँ से आपके ब्लॉग का जो लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे अगर एडल्ट कंटेंट तो आप डालेंगे नहीं क्योंकि एडल्ट कंटेंट मोनिटाइज ही नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शंस आपको कोई काम का नहीं है। फिर है गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी ID, ये अभी आप नहीं भी करने से चलेगा, अगर हो सके तो मैं दूसरे वीडियो में इसे कवर कर लूँगा, ठीक है। वहाँ से एक कोड मिलता है गूगल एनालिटिक्स की तरफ से, वो उसे आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना होता है। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट वाला है फेविकॉन। फेविकॉन यानी कि आप यहाँ पे जैसे ऑनटेक का देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये एक फेविकॉन है, तो आपका जो लोगो होगा उसे आप फेविकॉन में क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। फेविकॉन हमेशा स्क्वायर साइज में होता है, ठीक है, स्क्वायर साइज का होना चाहिए, यानी कि जो भी हो 1:1 रेशियो में होना चाहिए और उसका साइज लेस देन 100 KB होना चाहिए, तो आप यहाँ से उसे अपलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में आता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, विजिबल टू सर्च इंजिन। तो आप अगर इसे ऑफ कर देते हैं तो आपका क्या होगा कि ब्लॉग सर्च लिस्ट में आएगा ही नहीं, तो इसे आपको सिंपली एनेबल करके रख देना है। अगर बंद है तो इसे एनेबल कर देना, ठीक है। और ये ब्लॉग एड्रेस तो आपने अगर जब क्रिएट किया था तभी ये एड्रेस यहाँ पे फिक्स हो गया था, लेकिन अगर आप कस्टम डोमेन यूज करते हैं तो आप इसे क्लिक करके इस टूगल को ऑन कर सकते हैं और उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं कस्टम डोमेन पे। फिर आता है HTTPS को एनेबल करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको एक लॉक का सिंबल दिख रहा होगा, तो ये अगर मैं ये वाले सिंबल को ये वाले टूगल को ऑफ कर देता हूँ तो ये वाला जो लॉक है ना वो खुल जाएगा और ये क्या होगा इनसिक्योर हो जाएगा। अभी क्या दिखा रहा है कि कनेक्शन इज सिक्योर, लेकिन ये लॉक खुला रहेगा अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, यहाँ दिखाएगा इनसिक्योर, कनेक्शन इज इनसिक्योर। तो आपका कनेक्शन सिक्योर रखने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इस टूगल को ऑन करके रख देना है। और यहाँ पे है कि जो है मैक्स पोस्ट शोन ऑन द मेन पेज, तो जो होम पेज होता है उस पर आपको कितने पोस्ट दिखाने हैं उसका सेटिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 6 कर रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1-2 ऐसे करके 6 पोस्ट ही दिखाएगा, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर है इमेज लाइट बॉक्स। इमेज लाइट बॉक्स में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी पोस्ट के अंदर आपने इमेज इस्तेमाल किया है यूज़ किया है तो उसमें क्या करेंगे, जब वो टूगल ऑन होगा ना, जैसे कि ये इमेज है, इस इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं ये पॉपअप खुल के एक आ जाता है, इमेज अलग से आ जाता है, इमेज
खुल के आ जाता है, लेकिन अगर आप इस टॉगल को ऑफ कर देते हैं तो क्या होगा कि ये इमेज नहीं खुलेगा, वो लगेगा कि इनबिल्ट है, वो लगेगा कि साइट में ही चिपका हुआ है, यानी कि वो मतलब इमेज अलग नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ये कमेंट को एम्बेडेड में ही रहने दें। फिर यहाँ जो है नेक्स्ट में जो हु कैन कमेंट, इस वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, यूज़र विद गूगल अकाउंट कर देना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके पास गूगल अकाउंट होता ही है। तो कमेंट करने के लिए उसको पहले क्या करना होगा, अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करना होगा। फिर है कमेंट मॉडरेशन। कमेंट मॉडरेशन में क्या है कि अगर उसने एक बार कमेंट करके पब्लिश कर दिया तो क्या उसे वो एडिट कर सकता है। मैंने यहाँ नेवर करके रखा है, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बाकी के जो सेटिंग्स है वैसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट में है ये सब सेटिंग्स जो बाय डिफॉल्ट है रहने दीजिए। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है फॉर्मेटिंग टाइम जोन। तो आपको अपना टाइम जोन सेलेक्ट करना है। मेरा इंडिया का जो टाइम जोन है वो +5 में आता है, 5:30 में, तो +5:30 मैंने सेलेक्ट करके रखा है। आपका जो टाइम जोन होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेटा टैग्स, ये ही है गूगल सर्च इंजिन में लाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन जो ब्लॉगर में इनबिल्ट दिया हुआ है। तो मेटा टैग्स ही वो डिस्क्रिप्शन होता है जो आपके जो वेबसाइट है उसको गूगल में क्या करता है, रैंक कराता है। मैं मेटा टैग्स से बताने से पहले स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, तो वो है माइल्स वेब। माइल्स वेब एक ऐसा होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो 2012 से ही इंडिया में मतलब वेब होस्टिंग दे रहा है, और ये इतना देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ₹60 पर मंथ से आप होस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इतना चीप होस्टिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें क्या है, 24/7 आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अगर और भी जानना चाहते हैं अलग अलग पैकेज के बारे में कि कितने से कितने रेंज तक का होस्टिंग मिल सकता है, और जो होस्टिंग की स्पीड है ना, बाय गॉड बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप बहुत ही सस्ते में डोमेन्स भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डोमेन्स के लिए भी अलग अलग प्राइजेस दे रखे हैं, तो आप बहुत सस्ता में डोमेन नेम भी परचेस कर सकते हैं, साथ में होस्टिंग भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया हुआ है कि कौन से पैकेज में, कौन से प्लान में आपको क्या क्या फ्री दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं, वो सब सारे ऑप्शन यहाँ पे शो करके रखा है। तो आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एफिलिएशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें आप कमा सकते हैं ₹5,000 तक। अगर आपके किसी रेफरल से किसी और ने आप इसका डोमेन या फिर यहाँ से कोई होस्टिंग परचेस की, तो आपको 5,000 तक का रिवॉर्ड, रेफरल रिवॉर्ड मिल सकता है। तो फटाफट चेकआउट कीजिए, इस लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इसे या तो होस्टिंग खरीदिए या फिर डोमेन खरीदिए। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, ट्रस्टेड है, और आपको यहाँ पे ऊपर पे ही क्या बोलते हैं कि कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, और एक 24/7 आपको सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। तो आखिर में है ये मेटा टैग। मेटा टैग एक्चुअली मैं अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि यही मेन चीज है। तो एक्चुअली मेटा टैग क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑनटेक गूगल में सर्च कर रखा है और यहाँ पे मेरा ऑनटेक का पेज आ रहा है। तो एक्चुअली मेटा टैग क्या है, ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है मेरे वेबसाइट का, ये क्या है, एक मेटा टैग है। यानी कि सारा खेल जो सर्च इंजन में जो सारा खेल है ना, इस मेटा टैग का ही है कि आपका वेबसाइट सर्च लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सारा चीज़ कौन करता है, ये मेटा टैग ही करता है। तो ये वाला पोर्शन आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है, और आपको यहाँ पे ये टैग लिखने के लिए या फिर ये डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, सर्च डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बस 150 वर्ड्स ही दिया जाता है। पहले ये ज़्यादा था, लेकिन अब गूगल क्या करता है, बस 150 वर्ड्स को ही प्रीफर करता है शो करने के लिए। तो आप यहाँ पे जितना इंग्लिश जानते हैं सब लगा दीजिए। अब आपको जितने कीवर्ड्स आपके वेबसाइट से रिलेटेड, सब कीवर्ड्स यहाँ पर डाल दीजिए, ताकि कोई भी कीवर्ड ऐसा छूट ना जाए। तो मैं कहता हूँ ये अच्छे से लिखें, बहुत ही जरूरी है, ये सबसे ज़्यादा इसेंशियल है आपके साइट को रैंक करने के लिए। तो आप यहाँ पे 150 वर्ड में अच्छे से अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लिखें, उसके बाद उसके आप सेव कर दीजिए। नेक्स्ट है एरर एंड रीडायरेक्ट्स। तो आप अगर किसी साइट से रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, कोई लिंक को किसी दूसरे साइट पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ये तो कस्टम है, कस्टम एरर में आप 404 क्या लिखना चाहते हैं, जैसे कि कोई लिंक नहीं खुलता है तो 404 आता है, बट आप वहाँ पे कुछ और भी डिस्प्ले करा सकते हैं। और कस्टम रीडायरेक्ट्स में क्या है कि कोई लिंक आपको दूसरे साइट पे भेजना है जिसपे आप रीडायरेक्ट उसको करके रखें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कस्टम रोबोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल। कस्टम रोबोट्स डॉट
txt फाइल। तो इसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप इसको सिंपली क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट खोलना है, उसमें आपको अपने जो URL है उसमें एक स्लैश देना है, वहां पे आपको लिखना है robot.txt, उसके बाद आपको एंटर हिट करना है। उसके बाद आपको जो भी डिस्प्ले करेगा, जो भी आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको कॉपी कर लेना है सबको, और उसको सिंपली क्या करना है, पहले इस टूगल को ऑन करना है, आपका ऑफ होगा, और यहाँ पे जो कस्टम रोबोट टेक्स्ट है इसमें आपको जो आपने कॉपी किया था वहां से यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद नीचे है एनेबल कस्टम रोबोट हेडर टेक्स्ट, तो इसे आप एनेबल कर दीजिए, बट नीचे की सेटिंग्स को छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मोनिटाइजेशन, तो मोनिटाइजेशन एनेबल कस्टम एड्स डॉट txt, तो ये वाले पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, ये तब तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगा जब तक आपका एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता। तो एडसेंस का अप्रूवल एक बार जब मिल जाए तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने रिवेन्यू एट रिस्क वाला .ads.txt फाइल कैसे ऐड करें उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। नीचे है इम्पोर्ट कॉन्टेंट और बैकअप कंटेंट। इम्पोर्ट कंटेंट में क्या होता है, अगर आपने पहले कहीं पे साइट बनाया था या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे आप इस्तेमाल कर रहे थे, आपने बहुत सारे कंटेंट लिख रखा है, तो वहां से डायरेक्टली आप यहां पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बैकअप लेना है कि आपको यहां से किसी और जगह पे शिफ्ट होना है, तो आप यहां से बैकअप क्रिएट करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसे अपलोड कर सकते हैं। और यह है रिमूव योर ब्लॉक, तो आप रिमूव योर ब्लॉक पे क्लिक करके अपने ब्लॉक को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये साइट फीड, साइट फीड में क्या करना, हमेशा आपको फुल पे रख देना है। बाकी ये टाइटल एंड क्लोजर लिंक्स आपकी मर्जी, आप ऑन करें ना करें। ठीक है, और ये यूज ब्लॉगर ड्राफ्ट आपको ये वाला ऑन करके रख देना है, क्योंकि ये क्या होता है, ये काम आता है जब आप कोई पोस्ट लिखते हैं और उसको मिडिल में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, ऑटो सेव हो जाता है और बाद में उसको वापस आप एडिट कर सकते हैं। सो मैं लास्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि माइल्स वेब की वेबसाइट पे जाओ और फटाफट वहाँ से होस्टिंग या फिर डोमेन आपको जो परचेस करना है जिस रेट में चाहिए वो आप डिसाइड करो, और वहाँ से होस्टिंग या फिर डोमेन परचेस करो, और उसका जो रेफरल वाला पार्ट है उसमें पार्टिसिपेट करो और 5,000 तक का अर्निंग करो एक एक रेफरल पे।